Hello and welcome to Management Nazariya. Today's topic of discussion is principle of coordination or coordinating. So let's see what are the principles. So these are your 8 principles of coordination. Your first one is principle of early start. कहते हैं ना, जितने जल्दी शुरुआत करोगे उतनी जल्दी एंड होगा और उतना अच्छा एंड होगा, राइट? इट्स ऑलवेज सीन, लाइक ये कहा भी नहीं जाए लेकिन ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा आपने कि सपोज आपके एग्जाम्स 3 मंथ्स बाद है, बट अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, अर्ली स्टार्ट करोगे, तो यू हैव टाइम फॉर रिविजन, यू हैव टाइम टू टेक ब्रेक, यू हैव इवन टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, राइट? So what happens when you have an early start, things are coordinated, you work together. तो organizations में क्या होता है, coordination जो ये funda है, ये factor, ये कब से शुरू हो जाना चाहिए, जब से आप planning कर रहे हो. Planning की जो आप नींव डालते हो ना अपने goal को achieve करने के लिए, बस उसी time से शुरू हो जाना चाहिए coordination भी, क्योंकि आप काम को भी इस तरीके से डिवाइड करते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट लोगों के बीच, कि वो कोऑर्डिनेटेड रहे, एक साथ हो, मिलके, यू नो, यूनाइट होके एफर्ट्स पुट इन किया जाता है टू अचीव दैट वन गोल. ओके, सो दैट्स योर फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टार्ट. देन यू हैव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? So, you have people gossiping, you know, you must have seen people gossiping or you must also have gossiped. ठीक है, तो वो हर कोई करता है एक दूसरे की बुराई मारना. We are humans, we tend to do that. God knows why, but yes, we do that. So, ये जो हम तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं ना कि उसको देखा वो वैसा है, उसको देखा उसमें ये बुराई है, हम क्या कर रहे हैं? Gossiping कर रहे हैं. We are not going and directly talking to that person. Organization में this should be avoided. Whenever you are working for a particular goal या एक particular plan, you should go and directly contact that XYZ person. कि see, you have to perform these tasks which has been expected in this time frame. So please start working on it. When everything is crystal clear, then it avoids, you know, misunderstandings. It avoids duplication of work. It avoids commotion in your organization. So when things all, like all these things are been avoided, smooth flow of work is being done and hence coordination becomes more effective. Then you have your next principle, that is principle of continuity. Continuity matlab kya? To be consistent, to be regular, to be in a particular process. So coordination is a continuous process itself. Okay, so it does not end with fulfillment of an objective. अभी ऐसा तो नहीं है ना कि एक गोल आपने अचीव कर लिया, कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया. क्यों? ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बंद हुआ है, वो तो चल रहा है ना, काम तो आपको करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नीडफुल वर्क है विच इज टू बी परफॉर्म्ड और एक्सपेक्टेड बाय यू, यू हैव टू डू दैट. इट्स नॉट कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो भैया काम ही खत्म हो गया, आप वेल्ले पड़े हो, मस्त मजे मार रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो यू हैव टू वर्क, राइट? सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो कोऑर्डिनेशन ऑब्जेक्टिव हो या ना हो, स्पेशल ऑब्जेक्टिव हो, मेन ऑब्जेक्टिव हो, बट इट डजंट मैटर, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट शुड बी फॉलोड एवरी डे, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज व्हेन वर्क इज बीन परफॉर्म्ड कोऑर्डिनेटली, एवरी वन परफॉर्मिंग टुगेदर यूनाइटेड, इट ऑलवेज लीड्स टू गुड रिजल्ट्स एंड हेंस दिस ऑल्सो हेल्प्स इन, यू नो, इम्प्रूविंग द रेपो ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जब चीजें कोऑर्डिनेशन में होती है ना, स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाता है. ठीक है, स्पेशलाइजेशन आता है, यू नो, यू ऑलवेज फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, तो पंक्चुअलिटी आ जाती है, देयर इज अ डिसिप्लिन दैट इज बीन क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. बिकॉज कोऑर्डिनेशन खुद एक प्रोसेस है, खुद एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है जो चलती रहती है. For example, you know, to understand this point easier, I will give you a very good example. आपका exams 3 months बाद है, आप रोज 2 घंटा पढ़ रहे हो, रोज 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा? You can enjoy with your friends, you can spend time with your family, you can go to your college, you can do everything whatever you want to.
बट सपोज आपको एक हफ्ते पहले आप नींद से ऐसे जागे, बुम, अरे एग्जाम्स आने वाला है, अब क्या करना है? उस बीच में अगर कोई इवेंट आता है या फैमिली गेट टुगेदर होता है, आप एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आप कोऑर्डिनेटेड नहीं थे, क्योंकि आपका जो यू नो टाइम टेबल था ना, वो मिल के नहीं था, यूनाइटेड नहीं था. आप यूनाइट नहीं किए अपने एक्टिविटीज को इस तरीके से ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको. ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. देन यू हैव योर फोर्थ वन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स. आई विल टेल यू व्हाट इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स. वी ऑल लिव इन अ फैमिली, राइट? हम सब एक परिवार में रहते हैं. You have your mom, your dad, your elder sister, brother, whoever, your younger one, or maybe you are a single child. तो जब आप घर में रहते हो, कभी observe किया है? कुछ set of काम सिर्फ मम्मी करती है, some set of work is only done by papa, कुछ काम सिर्फ आपके elder brother या sister करते हैं, और if you are a only sibling, only you do that work. The level and the difficulty of that work which has been done is different. Suppose if mummy is doing cooking work, daddy is seeing all the work related to your outside the house, that is your, you know, payment of bills, looking to your society notices, etc., etc. So, and you are doing your work, you are keeping your own room clean, you are doing your work, your responsibility, basically your studies and everything, you are fulfilling those. So, what are you doing? You are basically creating a balance. When you live in a family, when work is being divided, it is not told कि आपको ये काम करना है. You do it willingly. तो क्या होता है, काम बट जाता है, आराम से हो जाता है, स्मूथली हो पाता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो पाता है. तो ये जो काम की डिफिकल्टी और वेरिएशन जो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से बटा हुआ होता है, उसे ही कहा जाता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स. सो दिस इज यू नो व्हाट, दिस प्रिंसिपल कॉल्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल योर एफर्ट्स, एक्शन एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स वन कॉमन गोल. ओके, सो दिस इज अबाउट योर फोर्थ प्रिंसिपल. द सेम हैपन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन भी. जब काम को बांटा जाता है बट डिफिकल्टी वैरी करता है, हो सकता सीईओ का जो काम है वो हायर लेवल ऑफ यू नो वर्क है, हायर अथॉरिटी का वर्क है. अगर वो काम क्या लेबर क्लास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. लेबर क्लास अपना काम करेगा, मैनेजर्स अपना काम करेंगे, सीईओ अपना काम करेगा. डिफिकल्टी ऑफ वर्क इज डिफरेंट, लेवल ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म इज डिफरेंट. What it basically creates, it creates a balance and efforts are being coordinated in order to achieve your specified goal. Then you have your next principle, that is principle of simplified organization. ठीक है, सादा जीवन अच्छा जीवन, ऐसा कुछ कोट है, सुना होगा आप सबने. I don't remember it properly, right? So the more simpler the work is, or the work is being, you know, explained to you, the better you perform. Okay. Suppose आपको किसी को direction देना है, how you have to go to the station, right? You tell him कि यहाँ से मुड़ना, वहाँ से left मुड़ना, फिर वहाँ पे एक tree दिखेगा, उस tree को देख के right मुड़ना, फिर उस आगे एक tree दिखेगा, उसको लेके left मुड़ना, और वहाँ पे बहुत सारी trees है. उसको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा. Instead, आप उसको एक यू नो लैंडमार्क दे दो. यू विल सी वन ICICI बैंक का ब्रांच, फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ राइट टर्न एंड यू रीच दैट प्लेस. आपने एड्रेस एक ही बताया, कैसे स्टेशन पहुंचना है, बट दो तरीके से, एक तो पेड़, ये पेड़ मिलेगा, वो पेड़ मिलेगा, ऐसे जाओगे, यहां मुड़ोगे, वहां मुड़ोगे, ये एक तरीका था. या आपने एक लैंडमार्क बता दिया कि एक ICICI बैंक का आपको एक ब्रांच मिलेगा, वहां से राइट मुड़ोगे तो आप स्टेशन पहुंच जाओगे, राइट? तो ये आपने क्या किया, सिंप्लीफाइड वे में उस इंसान को वो एड्रेस एक्सप्लेन किया. बस यही करना है ऑर्गेनाइजेशंस में. जितने सिंपल तरीके से आप टास्क को अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में एक्सप्लेन करोगे, उतना इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो पाएगा. क्योंकि जब आप सिंप्लीफाइड मैनर में यू आर कन्वर्सिंग, यू नो
thing, there is no misunderstanding, there is no confusion or commotion of any sort of type, which helps you to, you know, achieve your goal. Okay. Phir operations hote hain, kuch functions hote hain, which have been closely related, you know, must be put under all these things. Okay. Everything should be explained and been coordinated so that the goal is being achieved. Then you have your sixth principle, that is principle of flexibility. Now, flexible coordination ensures adaptability to changing situations. Okay. आपको लाइफ में भी हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. मे बी इन टुडे इन योर पॉकेट यू हैविंग 1000 रुपीज, कल आपके पास सिर्फ 100 रुपए हो, तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे जिंदगी जीनी है. यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ दैट यू डोंट हैव अ सैड फेस, यू नो, बेसिकली अ डिप्रेसिंग वन, कि अरे ऐसा हो गया. नहीं, बूस्ट अप योर सेल्फ, यू हैव सो मच टू डू इन लाइफ. So, you should be flexible, you know, जो situation आता है उससे खुद को ढालना आना चाहिए. Time लो, but ढाल लो. Complain करके कुछ नहीं होने वाला है. This is even a personal lesson that I learned, okay. So, that's basically your flexibility. So, when you're flexible at your work, it helps you to deal with problems easily, you know. You can basically, you know, deal with them in proper manner. क्योंकि ये जो flexibility ज़्यादातर कहाँ, you know, needed होती है, external environment. ये जो politics में या फिर कोई legal rule या regulation change हो जाता है, there you need flexibility. Because legal rules and regulations, you know, they are a set of rules that you are following continuously, you know, from God knows past so many years. अचानक चेंज हो जाता है तो आपको अपनी प्लानिंग में भी चेंजेस करनी पड़ती हैं. सो यू शुड बी अवेयर, यू नो, बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग. हेंस योर प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज व्हेन यू आर फ्लेक्सिबल यू आर कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स योर वर्क. देन यू हैव योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सी, कम्युनिकेशन नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, इन योर रियल लाइफ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The better you are able to communicate, the better you are able to solve problems. So, communication plays a very vital role. It gives you a clear-cut direction as to what you have to do, which avoids wastage of material, wastage of efforts. Okay? When there is two-way dialogue, means जब दोनों बात करते हैं, converse करते हैं, it's not an order, it's a dialogue between two people. Doubts have been solved, you know, misunderstandings have been solved. ऐसे ही रियल लाइफ में भी होता है. सपोज यू हैव सर्टन प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड, यू आर नॉट टॉकिंग टू हिम. वो बात आपके अंदर में है, आपके दोस्त को पता ही नहीं आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आपको पता आप नहीं बात कर रहे हो. यू हैव योर प्रॉब्लम बट यू आर नॉट शेयरिंग विथ इट विथ हिम और हर. तो वॉट डज इट क्रिएट? इट क्रिएट्स नेगेटिविटी, हेटेड विद इन योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, राइट? तो जब आप बात कर लेते हो, यू कन्वर्स विद योर फ्रेंड, वो अपने रीजंस बताएगा दैट व्हाई ही वाज लाइक दिस, एंड व्हेन प्रॉब्लम इज बीन सॉल्व, इट हेल्प्स यू टू नो टू बिल्ड योर रिलेशनशिप इन अ बेटर मैनर. दैट्स द सेम दैट हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू. द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन, द बेस्ट और द बेटर इज द बॉन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कलीग्स और एम्प्लॉयज. ओके, विच अल्टरनेटली हेल्प्स यू इन achievement of your goals and better coordination. Then you have your last point, principle of clear-cut objective. Clear-cut objectives help to obtain effective coordination throughout the organization. Okay, as the common goal of the organization is known to the departmental heads, they can make their best efforts in the present to, you know, to see to it that the goal is being achieved in your future. Okay, there is no major conflict allowed to be, you know, present there. Because why? Everything is clear, crystal clear, right? जब सब कुछ clear होता है, आप confused नहीं होते हो, आप अपने organization में अपने goals को achieve कर पाते हो. That's what you we need to be in life too. You should be clear cut enough कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे पाओगे, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन. यू आर 90% मार्क्स, यू शुड बी क्लियर इनफ एज टू हाउ आर यू गोइंग टू अचीव इट.
In the same manner, if an organization wishes to be the number one in his or her field, whichever field that organization is working in, the team should be coordinated well enough with clear directions, clear-cut objectives as to what it has to be performed, okay? So, this is all about your principles of coordination. I hope you understood all the points. If not, you can always comment below in the comment section. Thank you for listening to this video. Never stop thinking and keep